जो अभी इनकी जो बैठक थी वो कैंसिल हुई, वो क्यों कैंसिल हुई जरा बता दें। तो देखिए कुछ नहीं होने वाला है, जितना भी एकजुटता कर लें, जितना भी ये बैठक कर लें, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। आगामी 2024 के चुनाव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, एक भारी बहुमत से बनेंगे। इनकी एकजुटता करने से कुछ नहीं होगा। अरे भ्रष्टाचार का पोल खुला है ये, आप एक बात को समझिए, कितने साल से ये पुल बन रहा था, कितने साल से ये पुल बन रहा था, दो बार गिरा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमने इसका जांच किया था, तो आप जब खुद स्वयं जाके जांच करते हैं, अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, तो ये पुल दोबारा क्यों ढहा? बैठक भी कैंसिल हो जाएगा, जैसे पूर्व का बैठक कैंसिल हुआ था। कुछ होने वाला नहीं है, हमको समझ में नहीं आता है, ये लोग झूठ का मुखट्टा लेके सरेआम घूम रहा है, कुछ नहीं होने वाला है भाई। ये जो 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 विपक्षी एकता की बात करते हैं, इनके आपस में ही पहले इनके अंदर ही एकता नहीं है। यहाँ पे बिहार में जो ये दलित विरोधी और जो भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है, इनके गठबंधन के साथ ही इनके इनसे खुश नहीं है। कांग्रेस के जो आला कमान बैठे हैं उनके अंदर तो लोग खुश नहीं है। कर्नाटका का आप देख लीजिए जिस तरीके से विवाद में उनका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चल रहे हैं, तो आपस में ही जब इनकी इनकी साझेदारी नहीं है तो कौन सी विपक्षी एक ललन सिंह तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, अरे तो कौन को क्या कहेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो थोड़ी ना सही बात बताएंगे। जो अभी इनकी जो बैठक थी वो कैंसिल हुई, वो क्यों कैंसिल हुई जरा बता दें। तो देखिए कुछ नहीं होने वाला है, जितना भी एकजुटता कर लें, जितना भी ये बैठक कर लें, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। आगामी 2024 के चुनाव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, एक भारी बहुमत से बनेंगे। इनकी एकजुटता करने से कुछ नहीं होगा। सम्राट चौधरी हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कल कहा है कि हमारी सरकार बनाइए, बांग्लादेशियों को चुन चुन कर भगाएंगे। अब देखिए जब बिहार में हो या देश में हो, जिस तरीके से जब सरकार बनती है, किसी प्रदेश में बनती है, देश में बनती है, तो उसके नागरिकों के लिए बनती है, उसके नागरिकों के हित के लिए बनती है, उनकी सेवा करने के लिए बनती है, जनता के लिए बनती है, गरीब के लिए बनती है, दलित के लिए बनती है, पिछड़े के लिए बनती है, ये बाहरी के लिए नहीं बनती है। तो इस ये कड़ा सख्त एक देखिए यही हम आपको कहना चाह रहे हैं कि इस देश को ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो कि सख्त से सख्त कदम उठा सके, सख्त से सख्त निर्णय ले सके। ये नहीं कि भाई इस तरीके की एकजुटता किया, आज सरकार का पता नहीं है, कोई इनका चेहरा नहीं पता है कि कौन इनका प्रधानमंत्री होने वाला है, पूरे साल तो ये लड़ झगड़ा करते रह जाएंगे। अरे भ्रष्टाचार का पोल खुला है ये, आप एक बात को समझिए, कितने साल से ये पुल बन रहा था, कितने साल से ये पुल बन रहा था, दो बार गिरा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमने इसका जांच किया था, तो आप जब खुद स्वयं जाके जांच करते हैं, अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, तो ये पुल दोबारा क्यों ढहा? ये भ्रष्टाचारी सरकार का पोल खुला है। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, जहां ये एसपी सिंगला कंपनी काम कर रही है, उसको काम करने नहीं देगी, एक ईंट लगाने नहीं देगी, जहां जहां काम कर रही है वहां जाके विरोध करेगी। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।